राजकोट मार्केटिंग यार्ड में अत्यारे जर्सी नी आवक थई रही छे। यार्ड में अत्यारे कपास मगफळी अने लसण नी मोटा प्रमाण में आवक थई रही छे। आ साथे ज यार्ड में शाकभाजी नी पण मोटा प्रमाण में आवक थई छे। खेडूतोने पूरता भाव प्रमाण में भाव मळतो होवाथी खेडूतो मार्केटिंग यार्ड में वेली सवारथी ज पहोंची जाय छे। यार्ड में अत्यारे 6000 क्विंटल थी पण वधु कपासनी अने 5000 क्विंटल थी पण वधु मगफळी नी आवक थई छे। राजकोट मार्केटिंग यार्ड में 6600 क्विंटल कपास की आवक थी। कपास भाव की बात करवामां आवे तो खेडूतो ने कपास नो भाव 1212 थी 1510 रूपया भाव मळ्यो हतो। कपास की साथे साथे डूंगरी और टुकड़ा घऊं की आवक पण मोटा प्रमाण में थई रही है। राजकोट मार्केटिंग यार्ड में मगफळी की आवक पण मोटा प्रमाण में थई रही है। यार्ड में मगफळी की आवक 5000 થી વધુ क्विंटल मगफळी की आवक थी। यार्ड में झीणी मगफळी की आवक 3000 क्विंटल थी है, ज्यारे जाड़ी झीणी मगफळी भाव 110-1310 रूपया बोलाया था। ज्यारे जाड़ी मगफळी की आवक 2000 क्विंटल थी है, जाड़ी मगफळी भाव 1140-1455 रूपया बोलाया था। राजकोट मार्केटिंग यार्ड में अत्यारे सोयाबीन की आवक पुष्कर प्रमाण थई रही है। सोयाबीन की आवक 6220 क्विंटल थी है। सोयाबीन नो भाव 900-960 रूपया मणना बोलाया था। राजकोट मार्केटिंग यार्ड में 2650 क्विंटल टुकड़ा घऊं की आवक थी है, જ્યારે ટુકડા ઘઉંના ભાવ 558-628 રૂપિયા બોલાયા હતા। જ્યારે લોકવન ઘઉંની આવક 275 ક્વિન્ટલ થઈ છે, જ્યારે લોકવન ઘઉંનો ભાવ 526-590 રૂપિયા બોલાયા હતા। राजकोट सब मार्केटिंग यार्ड में बटेटा 2400 क्विंटल अने टमेटा 1280 क्विंटल आवक थई छे। बटेटा ना भाव 140-400 अने टमेटा ना भाव 320-650 रूपया बोलाया हता। आम राजकोट मार्केटिंग यार्ड में खेडूतोने पूरतो भाव मळी रह्यो होवाथी अहींया मोरबी सुरेन्द्रनगर सहित अनेक गामोना खेडूतो पोतानो माल वेचवा माटे अहींया आवी रह्या छे।